हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा मोटो एज 14 न्यू फ़ोन है, तो मोटो एज 14 न्यू फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में इनकमिंग कॉल नॉट शो स्क्रीन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं मोटो एज 14 न्यू फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, और इनकमिंग कॉल्स की प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक कर पाएंगे मोटो एज 14 न्यू फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम बताने वाले हैं कि इनकमिंग कॉल्स की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं और इनकमिंग कॉल्स की प्रॉब्लम्स को आप ठीक कैसे कर सकते हैं फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि इनकमिंग कॉल्स प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही बेल आइकन से ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आपको जाना होगा सेटिंग्स पे जाकर अपने फ़ोन की इनकमिंग कॉल्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। स्लाइड करना है, फिर आपको ऐप सेटिंग्स पे जाना है और ऐप सेटिंग्स पे जाकर इनकमिंग कॉल नॉट शो स्क्रीन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं और इनकमिंग कॉल्स की प्रॉब्लम्स को ठीक कर पाएंगे अपने फ़ोन में। देख सकते हैं कि इस पे जाना है फ़ोन आइकन्स पे, और जो फ़ोन आइकन्स डाटा आपको उसको क्लियर एंड डिलीट कर देना है। डिलीट करते ही आपके फ़ोन का डाटा क्लियर हो जाएगा, जिसके ज़रिए आप इनकमिंग कॉल्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बस परमिशंस पे जाना है, फिर आपको यहाँ से कॉल लॉक परमिशंस होती है आपके फ़ोन की, उसको आपको बस अलाउ कर देना है। और साथ में ही देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन परमिशंस भी ऑन कर देनी है, यहाँ से ऑफ़ है तो आपकी जो भी इनकमिंग कॉल्स की जो प्रॉब्लम्स हैं आप उसको सॉल्व कर पाएंगे और उसको आप ठीक कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी इनकमिंग कॉल्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अपने फ़ोन में। तो आपको वीडियोस लिख दो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। वीडियोस लिख दो।